ये देखिए तिजोरी को बिल्कुल तोड़ा गया है यहाँ पे, जो समय की रसोई है। यहाँ पे देखो कितना सारा सामान रखा है उन सेठों का। ऊपर वाले जो कमरे काफी बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, इस प्रकार से सामान फैला हुआ है सारे का सारा। एंटीक कलेक्शन की भरपूर मात्रा है यहाँ पर, देखिए कितने सारे बक्से रखे गए हैं। मूल्य मात्र 15 पैसे की किताब है ये वाली। कमरे के अंदर उन सेठों का कुछ पुराना सामान रखा, तिजोरी वगैरह है, वो मैं दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज आपको मैं नवलगढ़ की हवेलियों की श्रृंखला की एक नई हवेली में लेकर आ गया हूं। इस हवेली की जो खासियत है वो ये है कि नवलगढ़ की सबसे पुरानी हवेलियों में से इस हवेली को भी आंका जाता है। तकरीबन 250 वर्ष पहले पटौदियों के द्वारा बनवाई गई ये हवेली उन सभी चीज़ों से लैस है जो आज के आधुनिक समय में हमें ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक ब्लॉग्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को मजेदार तरीके से, इस मजेदार बेहतरीन व्यू के साथ में। मुख्य चौक का आज के समय में कैसा हाल है ये देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके उस तिबारे में। इस तिबारे में उस समय की कुछ लकड़ी की चीजें रखी हुई हैं। ये तो है पुस्तक रखने के लिए, जैसे पुस्तक रखते हैं। ये उस समय का चकला लग रहा है हमें देखने में। ये एक संदूक है लकड़ी का, इसमें कुछ पेज भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इन पेजों के ऊपर मोड़िया भाषा से उस समय के जो मुनीम वगैरह हिसाब किताब लिखा करते थे, ये देखिए सारी की सारी मोड़िया भाषा है ये। इसे पुरानी हिंदी बोलते हैं और इसको केवल जो मुनीम लोग हैं वही पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी कीमती दस्तावेज आज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ उस समय के कुछ हिस्से और मिल रहे हैं, सामने एक संदूक भी मिल रहा है, उसको भी देखते हैं एक बार। आइए, ये उन सेठों का संदूक है ये, इसमें वो अपने शायद कपड़े या कुछ कीमती सामान रखते होंगे, घड़े वगैरह भी रखे हुए हैं। इस कमरे के अंदर उन सेठों का कुछ पुराना सामान रखा, तिजोरी वगैरह है, वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस गेट पर देखिए जो ताला लगा हुआ है वो कितना मजबूत है और ये उसी समय का ताला है। अंदर की तरफ आपको कुछ तिजोरियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सेठों की वो सारी तिजोरियाँ हैं जो वो खुद इस्तेमाल किया करते थे। सामने की तरफ एक पल्ला रखा हुआ है जो कि गेट का यहाँ पे अलग से हटा कर रखा गया है। और ये तिजोरी काफ़ी भारी हुआ करती थी, एक तिजोरी को उठाने के लिए कम से कम भी 4 से 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। सिंगल आदमी तो इसको हिला भी नहीं सकता है। अभी मैं आपको इसके और हिस्से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा जो हिस्सा बना हुआ ना, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखते होंगे अपना। आगे की तरफ आइए, ये ऊपर जाने का इसका जीना है। ये परिंडा बना हुआ है जहां पे वो अपने घड़े वगैरह रखते थे। ये भी किचन बना हुआ है दोस्तों। इस किचन में देखो आज भी कुछ सामान रखे हुए हैं। सामने की तरफ टोकरी वगैरह भी आपको देखने मिलेगी। दीवारें इसकी ऊपर की तरफ से काली हो गई हैं, जिससे साफ साफ पता लगता है जब खाना पकता होगा यहाँ पे। ये कुछ कागजी दस्तावेज, आई थिंक शायद ये गीता की एक छोटी सी पुस्तक यहाँ पे रखी हुई है। ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे देखिए। ये तो सिंपल हिंदी भाषा लिखी हुई है, आई थिंक शायद ये गीत वगैरह लिख के यहाँ पे रखे होंगे उन्होंने। और इसके साथ में ये भी बर्तन ही है। अंदर की तरफ आइए, यहाँ पे देखो कितना सारा सामान रखा है उन सेठों का, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो छोटे छोटे बक्से रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा देखिए, आगे आके देखिए, कीमती सामान रखने के बक्से, ये बैठने के लिए। ये देखो कितनी सारी यहाँ पे लिपियाँ रखी हुई हैं उस समय की, जो ये उनके सारे हिसाब किताब थे वो इसी में लिखे होते थे। ये उनके बड़े बड़े जो तकिए होते थे वो रखे गए हैं। यहाँ पर उनकी अटैचियाँ रखी गई हैं और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं आज इस मिट्टी के साथ में अपनी पहचान को सच में खोते जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या रखा हुआ है। ये देखिए कितने सारे कागजी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं उस समय की, श्रीमान नवल गणपति राज्य श्री ठाकुर साहिब की, के उस समय की चीज़ें। ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, ये पंचांग वगैरह रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये उस समय का वो खजाना है जो आज इन हवेलियों में देखने को हमें
मिलता है। बाहर चलते हैं, वहां पे चीजों को देखेंगे। यहाँ पर उस समय की हमें चक्की देखने को मिले जो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है, और कुछ चीजें मैं आपको इस कमरे के अंदर दिखाता हूँ। ये भी उस समय की रसोई है। इस पूरी हवेली में हमें चार रसोई देखने को मिल रही है। इससे पता लगता है कि चार भाइयों के लिए बनाई गई होगी ये वाली। आज भी कुछ यहाँ पर उस समय के बर्तन घड़े वगैरह रखे हुए हैं जो पहले के समय में इस्तेमाल में लाई जाती थी सभी चीज़ें। अब मैं आपको सीधा लेकर जाऊँगा इसके ऊपरी हिस्से में, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सीढ़ियों पे भी धूल की मोटी परत जम चुकी है। न जाने कितने वर्षों से इस हवेली की शायद कोई देख रेख मेरे ख्याल से तो हो नहीं रही है। साफ सफाई की इसको सच में बहुत जरूरत है। अगर एक बार इसको फिर से जीवित किया जाए तो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस ये बन सकता है। ये उनका कमरा हुआ करता था। यहाँ पे कुछ ये ट्रंक वगैरह रखे हुए हैं, इनको भी एक बार देखते हैं। अंदर आ जाइए, खाली है तो एक देखो कितना बड़ा बक्सा यहाँ पे भी रखा हुआ है। ये खाली पड़ा, ये उस समय की खाट। आगे आइए, यहाँ पे खाट है, ये पेंटिंग है कोई, ये चौकी है खाना खाने के लिए। दोस्तों ये चीजें बिल्कुल अपना सितो खोती जा रही हैं। और इसके बाद में आप देखिए, इसे दुई छत्ती बोलते हैं। यहाँ पर आइए आप, ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल में ये आती होंगी। ऊपर वाले जो कमरे काफी बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इस कमरे में देखो किस प्रकार से सामान फैला हुआ है सारे का सारा। सामने की तरफ सेठों की एक फोटो भी लगी हुई है उनके पूरे परिवार के साथ में। आगे चलते हैं, ये कमरा, ये यहाँ पर आइए दिखाइए। हर कमरे में कोई ना कोई सामान रखा हुआ है, साज सजावट की कुछ चीजें भी रखी हुई हैं। आगे चलते हैं, सारे कमरों में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना कुछ यहां पर हमें आज भी देखने को मिलता है। उस समय के सारे उनके वो बर्तन हैं जो वो इस्तेमाल में लाते थे, बेलन वगैरह हो गए, ये अनाज रखने के बर्तन। ये देखिए ये बड़ा लकड़ी का एक ट्रंक बना हुआ है। ऊपर वाले हिस्से में देखिए आप दोस्तों, ऐसा लगता है कि शायद सेठ लोग अपना सारा सामान यहाँ पे भूल गए हैं और उसके बाद कभी वापस यहाँ पर लौटकर वो शायद नहीं आए होंगे मेरे ख्याल से। दोस्तों हम इसके एक और कमरे में आए हैं जहाँ पर एंटीक कलेक्शन की भरपूर मात्रा है। यहाँ पर देखिए कितने सारे बक्से रखे गए हैं, छोटे बड़े बक्से हैं, कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए, ज्वेलरी रखने के लिए, ये उनकी बैठने की चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारी किताबें हमें मिली हैं। ये जो किताबें हैं ये तकरीबन 120 वर्ष पहले की किताबें हैं। ये देखो मैं इसका एक फ्रंट पेज दिखाता हूँ, मूल्य मात्र 15 पैसे की किताब है ये वाली, और किताब का नाम है बाल शिक्षा। और काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर मिली हैं, ये उनके कपड़े वगैरह हैं। देखो कितने सारे बक्से रखे हुए हैं। इन बक्सों को देखते हैं पर क्या है इनके अंदर भी, ये देखो बिल्कुल खाली है। इनके कुछ वस्त्र इसके अंदर रखे हुए हैं। इसी प्रकार से सामने की तरफ अलमीरा भी हमें दिखाई दिया है। ये जो हवेली है ना दोस्तों, इस पूरी हवेली के अंदर ऐसे बहुत सारे बक्से मिले हमें सारे कमरों के अंदर, जो उन सेठों की विरासत हुआ करती थी। इसी में अपना सारा सामान रखते थे वो, कीमती सामान भी और उनका रोज़मर्रा का सामान भी। इसके अंदर एक बक्सा ये दिखा, इसको देखते हैं एक बार कुछ है क्या इसके अंदर। ये देखो इनके जो गद्दे वगैरह हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ और नहीं है। ये देखो डब्बे उस समय के, झाड़फूस भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है ना जाने कितने सालों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है, लेकिन सेठों के समय में यहाँ सामने की तरफ जो ये तीन द्वार वाले जो कमरे बनाए गए हैं ये उनकी बैठक हुआ करती थी। यहाँ पर वो व्यापारियों के साथ में बैठा करते थे। बिल्कुल इसी प्रकार की एक बैठक छोटी सी यहाँ बनाई हुई है। इसका अंदर का नज़ारा भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि
कि कैसा दिख रहा है ये। दोस्तों नजारा काफी शानदार है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। साफ सफाई की इसको सच में बहुत जरूरत है। ऊपर देखिए उस समय का चलने वाला पंखा, क्योंकि लाइटिंग होती नहीं थी तो बाहर की तरफ एक व्यक्ति बैठता था जो बताते हैं बहरा हुआ करता था, ताकि उन व्यापारियों की कोई भी बात वो ना सुने और बाहर बैठकर वो हवा देता था। ये सामने की तरफ सेठों की फोटो लगी हुई है, यहां के जो सेठ रहे होंगे। आइए बाहर की तरफ। अब हम सामने अपनी नजरों को लेकर जाते हैं, वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार की सीढ़ियां बनी हुई हैं। बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हैं। यहां से हम इसके सीधे ऊपरी हिस्से पे जा सकते हैं, और जो ऊपर का नजारा किसी वक्त बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन इन झाड़ियों ने उसको पूरे का पूरा ढक लिया है। यहां पर आइए और बेहतरीन फ्रेस्को पोर्ट्रेट को देखने की कोशिश कीजिए इस छज्जे पे। और इसी के साथ में मुख्य प्रवेश द्वार पर हम आते हैं और उन चीजों को कैच करने की कोशिश करते हैं जिनका ख्याल वो रखते थे। जैसे कि जोधपुर स्टाइल का ये गेट यहाँ पे लगा हुआ है। सामने की तरफ गणेश भगवान की प्रतिमा फोटो बनी हुई है। ऊपर की तरफ तोरण आपको देखने को मिलेगा, जिसका प्रयोग शादी के समारोह में किया जाता था। इसकी बहुत अच्छी कहानियां भी हैं। एक दानव को भगाने के लिए यहाँ पे छड़ी मारी जाती है ताकि वो भाग जाए। और ऊपर देख सकते हैं गणेश भगवान के साथ में उस समय के जो उनके अलग अलग अवतार होते थे, भगवानों के, राजा महाराजाओं के संदेश होते थे, उन सभी को इस पोर्ट्रेट के माध्यम से दिखाने की कोशिश पूरी पूरी की गई है। इतने वर्षों के बाद भी आप समझ सकते हैं कि इसकी जो लकड़ी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। टीक की लकड़ी है, डिजाइन काफी बेहतरीन है। और ये गेट जाम हो चुका है। अंदर चलते हैं इस गैलरी से। गैलरी के ऊपरी हिस्से पे नजर मारिए, कृष्ण लीला का बेहतरीन चित्रण आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें फ्रेस्को आर्ट का एक बहुत अच्छा जो नमूना है वो पेश होने वाला है। और इस आर्ट के अंदर दीवार के हर एक हिस्से पर उन सभी चीज़ों को अलंकृत किया गया है जो उस समय के कारीगर अपने अपने काम में निपुण हुआ करते थे। उन विदेशी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश की गई है जो उस समय के कारीगर और सेठ लोग मध्य एशिया, यूरोप में जाते थे, देखते थे। जैसे कि सामने वाले हिस्से में आपको एक ट्रेन का चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए राजस्थान के नवलगढ़ में उन सेठों ने इस हवेली को जब बनाया तो उसके विगत वर्षों में, आगे जाने वाले वर्षों में समय समय पर इसके ऊपर उन सभी चित्रों को उकेरना शुरू किया जो वो बाहर जाकर देखा करते थे। इसी प्रकार का जो इनका मुख्य द्वार है, इस द्वार पर भी देखिए आप कितने सुंदर पेंटिंग की गई है, पोर्ट्रेट फ्रेस्को बनाई गई है। और फ्रेस्को के नाम पर यहाँ पर उन सभी बारीक चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है जो उस समय के कारीगरों को नमन करने में आज हमें मजबूर करता है। और इन्हें हम गोखे बोलते हैं, जहाँ पर उनके पहरेदार खड़े रहते थे। यहाँ पे रघुनाथगढ़ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से घड़ा गया है। और आज के समय में ये पत्थर जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाकर हमें बहुत अच्छा लगा। यदि कभी आप भी आते हैं राजस्थान के नवलगढ़ में तो पटोदियाओं की गली में इन हवेलियों को देखना बिल्कुल मत भूलेगा। बहुत शानदार हवेली है ये, और उन सेठों की पहचान को आज भी हमारे सामने बयां करती है जो उस वक्त उनका माहौल रहा था। उनकी चीज़ों को हमने देखा, एंटीक कलेक्शंस को हमने देखा। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।